गाइस वेलकम बैक न्यू लोग। जिस आप देख सकते हैं हम अपने गांव आ चुके हैं। इनको नज़र दिखाए। हाँ, मेरी तरफ वापस कैमरा खुलाया भाईजान। और मैं इस टाइम एक छोटी बच्ची के साथ बैठा हूँ जो मुझे बहुत प्यास लगी थी 2-3 दिनों से। मैं यार क्या सवाल बोता है यार, और सवाल बिस्किट में मान गए। जैसे हम 2-3 दिनों से गांव आ चुके हैं जहाँ पे काम शाम भी हो रहे हैं और शादी की तैयारियाँ भी हो रही हैं, और हमारे मामू की शादी है, तो बेचारा बड़ा ही हो गया, उसकी शादी की उम्र आ गई, तो बेचारी की शादी है। और इस टाइम हमारे साथ भाई भी जो काम अभी कर रहे हैं ना, अभी आपको उनकी तरफ जाएंगे, और इधर पे जो हमारे मामू लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और जो मेहमान है साथ में, ठीक है, अब इनके नज़ारा और को ये लोग तकरीबन 2-3 दिन का बनने वाले हैं, ठीक है, आप इंतज़ार करोगे इस लोग के लिए। और इस टाइम ये हमारे जो मामू लोग हैं उनके कज़न से ये काम वाम कर रहे हैं। तो काम का नहीं लगता जिसने वाइट कपड़े पहने, देखो मामू तो काम कर रहे हैं। और इस मामू की हमारी शादी है, ये गाड़ी से निकल आया है, और ये लोग जो भी काम कर रहे हैं। गाइस अभी मैंने ये कुल्हाड़ा उठाया है और मैं यहाँ का बमसी बन चुका हूँ, और इधर जो ये जो काफिर हाफिर हैं इनके मैं सर उड़ाऊँगा, खासकर हमारे भाई देख रहे हो ना, सीधा भाई जाओगे ऊपर जन्नत नहीं दोजख, सॉरी मैं उनके उड़ाने वाला हूँ, और इसकी तो ऐसे ही उड़ाऊँगा राजा भैया। ओह माशाल्लाह, इसके जाने में इससे उड़ाऊँगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इस टाइम, क्या कहे भाई, इंजीनियर है ना। इससे छोटे मामू की शादी और इसकी शादी नहीं हुई, आप क्या कहना चाहते हैं मामू जान? पहले 3 शादी की है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा तो इन लोगों की बस बुरी बुरी कहानी सुन ली है, बेचारे छोटे भाई की शादी है, बड़ा मामू ऐसी है, क्या है कि इन लोगों को यार, ये 10 साल इंतजार करेगा। शाहरुख खान है, ये कल दुबई जा रहे हैं। शाहरुख खान भाई तब सब है, सब दुबई तरह नहीं बचे, सब सऊदिया तरह होते सऊदिया था वेले से सऊदिया था ड्रीम रिपाई का था। बीवी के लिए पैसा कमा रहे भाई, दुबई जा रहे हैं भाई, पाकिस्तान में कमाओ, ये कुल्हाड़े लोहा उठाओ सर के, लोगों के सर तोड़ लो क्या जी। बस ये काम हम खत्म कर देंगे तो उसके बाद हम मिलेंगे, ठीक है, और तैयार वार भी होना है भाई, दुल्हन के घर भी जाना है, दोनों को भी यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पर सीन जो हमने घर में बहुत ज़्यादा काम वाम कर लिया, और हमारे पास अंस भाई भी है ना, बहुत ज़्यादा मशरूट है यार, इसे मैं आज बोरी लॉग में तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं इसको लेकर आया भी नहीं इस लॉग में। अच्छा, और अभी हमारे यहाँ से एक गाय वाय को उठा लेंगे अपने साथ, घर लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ मेरे पीछे इतर आ गया, अभी आराम से यार, ये पूरे गोए ये ना, इनके साथ इसको हम बांध देंगे। गोली गाय का चेयरमैन मशरख है, और ये दूसरे गाय का, और इस गाय का कौन है यार, अबे यार तेरे गाय कौन है, चेयरमैन हमें मुझे इसके यार भेज दो यार, तुम यहां पे इसको, अरे यार ये ले लो यार इसको, अरे गधा वो ना फ्री हो गए, फ्री हो गए मोबाइल ना, फ्री हो गए, फ्री हो तुम से इजाजत देखो। मैंने एक बच्चे को पकड़ लिया और कह रहे ये गाय हम आपको बेचते हैं, और ये थोड़ी सी बहुत डरावनी लग रही है, मैं वैसे फिलहाल इन गायों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। और मेरे साथ जो यहाँ पे है छोटे मामू, और ये अपने मामू के भाई भाई की शादी, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उसके काम हम बड़े अच्छे कर रहे हैं। वैसे यार ये बहुत ज़्यादा गुस्से ना के देखो, बहुत दिन से ना गुस्से ना के यार, और पीछे इस गो को तो हम नहीं छोड़ेंगे यार, इस गो को इधर कोई बंद करो, ये नहीं बंद होता। अच्छा ठीक है, ये इंसानों वाली गो है, ये अनस गो जो है ना, ये इस गो से डरती है, एक ही बात हम अपनी जुबान में बोलते हैं, इसको हम गाय बोलते लोग पाल सकते हैं। ज़ालिमा उर्दू में, अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं गाय को, दास होते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ ना क्या कहते हैं यार, तुम अनपढ़ बंदे हो यार, इंग्लिश में कहते हैं अनस भाई, खाना भी इंग्लिश में तो वही जो साथ मार पलट क्यों लो भाई। गाइस तो हम आ चुके हैं दुल्हन के घर, और जहाँ से था हमारी पूरी फैमिली,
यानी कि मामलों की फैमिली आ चुकी है यहाँ पे, और अभी इनका ये सीन बना है कि हमारे जो मेहमान हो गए ना इंदर अंदर बिठाया हुआ है, और काफ़ी जो बाहर निकल गए वो काफ़ी जो अंदर है उसमें हमारे साथ ये भाई भी है और ये भी है। गाइस ये लोग अभी पैसे वैसे वसूल करना है इनको, और इनके बड़े और हमारे बड़े आपस में मिल चुके हैं। पे देखे हमारे अनस भाई और साथ में हमारे छोटे मामू बहुत ज्यादा तैयार हो चुके हैं और दुल्हन के घर भी आ चुके हैं, साथ में ये बड़े बड़े पटाखे और ये इनके भाई देखो फोटो शोटो हो रही है भाई, देख लो भाई इधर देखो इधर इधर मैं यहाँ पे हूँ। ओ माशाल्लाह सुभानअल्लाह कहाँ गए वो लोग यार, ये वो लोग ये जो हमारी वीडियो पे हंसते रहते हैं और ये बिल्कुल इनके मुकाबले में देखो गरीब एक सही चक्षा। गाइस अभी हम यहाँ से रवाना होंगे घर की तरफ, और ज्यादा हम वहाँ पे शोहल मचाएंगे, और अभी फिलहाल हम यहाँ से जाने नमाज वाजी पढ़ने, ठीक है। तो अल्लाह के खैरियत से हम अपने घर पहुंच गए और पूरी शादी वादी के साथ। अभी यहाँ पे जो मामू लोगों ने शूटिंग वूटिंग की है खाने बंदोबस्त का आज के लिए, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ कल मिलेंगे, क्योंकि यार देख सकते हो मेरी इस टाइम हालत क्या हालत हो चुकी है, बिल्कुल गरे ख़राब है बैठ दो। और साथ भाई भी देखो फुल के पोटरी बन चुका है यहाँ पे यार। अभी हम तो फटाफट नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद इंशाल्लाह रात को थोड़ा प्रोग्राम होंगे वो भी बताएंगे, कल सुबह इंशाल्लाह पूरी रोटी बंदोबस्त के साथ। हाय गाइस, तो एक रात गुजर चुकी है पूरी जोश के साथ, अभी जो हम करने वाले हैं ये काम। हमारे साथ गांव का जो बड़ा मशहूर डांसर है, इसका नाम है मूसा मुस्तफ़ा, सब ये मुस्तफ़ा तो हो गया। हाय हाय बेचारा शर्मा रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको वीडियो में नहीं आना चाहिए, अच्छी बात है कि नहीं आ रहा, पूरी टेंशन नहीं है। और यहाँ पे है टमाटर काट रहे, अच्छी बात है यार, काटो काटो छापा लगा अनुसार का हुआ चलो फिलहाल उधर काम हो रहा है, और अभी हम अपनी पोजीशन वोजीशन को टैग करते हैं पे निकलते हैं बाहर, और बाहर का मौसम बड़े मजे का यार। ओहो क्या मौसम है यार, यहाँ पे एक बंदा है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शीशे के साथ मार चुका है, और थोड़ा सा मेंटली इसकी हालत ख़राब है, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताती हुई वही बंदा है, वही बंदा है। अरे है बेचारा अल्लाह के पास जा रहे शायद। तो हमारी जो रोटी छोटी थी वो ख़त्म हो गई, और अभी हम भाई कल जो पेशावर निकलने हमने, और यहाँ पे हमने कुछ बोरी छोरी की वो भी हम इस गाड़ी में डाल देंगे, और इस टाइम हमारे साथ हमारे छोटे मामू गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, और आप देख सकें कि आपका जो हलोयर है ना वो पीछे बैठा होता है, बस ये दरवाज़े में ही खोलेंगे, मैं उतरूँगा तो खान बन के जाऊँगा, खान बन के आऊँगा, ठीक है।
तो यार बहुत ज़्यादा हम दौड़ चुके, आपको मेरी हालत से पता चलेगा कि भाई अहमद बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं। देखो आंकिर को भाई नींद हमने नहीं की तकरीबन दो तीन चार दिन से, हम पूरा को सिर्फ तीन तीन घंटे नींद करते हैं क्योंकि भाई मामू की शादी थी, तो इसलिए गाने लगाए भाई लोगों ने। इधर भी देखो साथ जा रहे हैं साधो, अपने सपनों में खोए हुए और हम अपने लोगों में खोए हुए अभी यहाँ पे आया भाई। और बस आज के बाद ये लोग को बस डिली कर देंगे क्योंकि जो वजह से मसरूफियत थी वो ख़त्म हो गई, इंशाल्लाह वही हम आपके साथ होंगे रोज़ाना। यहाँ से हमने बोरी शोरी लेना है जो भी शायद दुकान बंद है या खुला है पता नहीं चल रहा भाई। हमने दुकान वाले हमने ये चीज़ माननी है उनके लिए। बस गाइस हम जाने वाले हैं अपनी पेशावर, यहाँ पे हमारा सामान वन पैक हो रहा है और निकलने वाले हैं पेशावर। और यहाँ से हमारे पास दो तीन बंदे और भी है, उनको भी बस पेशावर ड्रॉप करना है ठीक है। देखो भाई सामान वन हो रहा है और हम यहाँ से निकल रहे अपने प्यारे कटारे गाँव से। गाइस जो सफ़र तो बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक्सप्लेन कुछ जहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। Six and a half hours later. तो आप देख सकते हैं हम पहुंच गए अपने घर। यार दिल टन पड़ी, अपना घर अपना घर होता है यार। और भाई बड़ी फ्रेश फ्रेश हो गया और बहुत काला हो गया उस वक्त, बहुत ज़्यादा काले हो गए यार, बहुत ज़्यादा बहुत इंतहा ज़्यादा हो गया यार, इसलिए काला हो गया। जूस मारे तो मैं फिर भी यार वो अपने हुसन हुसन है मैं देखो। अच्छा तो लग रहा ये तो मुड़ा जरा उठो सर इधर हो ना यार। बस आज के बाद इस चैनल शायद लाइट की वजह से तुम तेरे को भी रोशनी मिल गई। खुद को देखो चलो इसको भी देखो। तो गाइस इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। वस्सलाम।